अगली खबर की ओर। पंचकुला के सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में टीजीटी के लिए राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसी के साथ मोहनलाल बड़ौली, ज्ञानचंद गुप्ता भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान मूलचंद शर्मा और रणवीर गंगवा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो वहीं पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दिखाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे। आपको बता दें 7441 टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। तो इस पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संबोधन में कहा कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। भाजपा शासन में प्रदेश का विकास हुआ है। एक लंबे समय के बाद आप सभी के चेहरों पर खुशी देखी है, यह मेरे लिए गर्व का विषय है। हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ, उसके साथ साथ आप सबके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए यह आज बड़ा गर्व का दिन है। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के बीच में बैठा हूं, आने वाले समय के अंदर इस देश के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने इसको विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए पीढ़ियों को त्रासने का काम आप लोग करने वाले हैं। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है।